केलांचल टाइम्स की खास पेशकश नगर निगम का दंगल। नमस्कार, स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में। मैं हूँ आपके साथ वंदना। बिहार में इन दिनों नगर निकाय चुनाव की तैयारी जोरों पर है। सभी प्रत्याशी अपने वोट मांगने के लिए जगह जगह पर अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हमारे संवाददाता की बातचीत हुई है उत्तम कुमार राय उर्फ मोहन राय, भावी वार्ड पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 26 बांका, जिला बांका, बिहार से। तो आखिर ये किन तैयारियों के साथ, किन मुद्दों के साथ में चुनावी मैदान पे उतरे हैं, आइए बातचीत कर जानते हैं इन्हीं से। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स, मैं हूं ओंकार झा। बिहार में तीसरे नगर निगम की चुनाव की घोषणा हो चुकी है। प्रत्याशी चुनाव प्रचार में लग गए हैं और चुनाव की पहली कड़ी जिसको कहते हैं नामांकन, वो दे के आ गए हैं। अब चुनाव चिन्ह का इंतजार कर रहे हैं, कुछ ही दिनों में इनको चुनाव चिन्ह मिल जाएगा। चुनाव प्रचार में तो पहले से लगे हुए हैं और चुनाव चिन्ह आने के बाद और जोर शोर से लग जाएंगे। अभी हमारी पूरी टीम कैमरामैन प्रियम कुमार झा के साथ बांका जिला के वार्ड नंबर 26 में, और यहाँ पे मेरी मुलाकात यहाँ के भावी वार्ड पार्षद प्रत्याशी उत्तम राय उर्फ मोहन जी से हुई है। इनसे ही जानते हैं कि ये चुनावी मैदान में क्यों आए हैं, क्या काम करना चाहते हैं अपने वार्ड के लिए और कहाँ तक अपने वार्ड को ले जाना चाहते हैं। अनुभव काफी दिनों का है, 20 से 25 साल का अनुभव है, समाज का सेवा करते आए हैं और इस बार चुनावी मैदान में आए हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप चुनावी मैदान में हैं क्यों, क्या कारण है? मैं चुनाव मैदान में इसलिए हूं कि मैं शुरू से ही समाज सेवी रहा हूं। जी, मैं शुरू से इस समाज का वार्ड नंबर 26 का, अभी ना वार्ड नंबर 26 हुआ है, लेकिन इसके पहले मैं पूरे ग्रामीण का, मतलब जगतपुर गांव का मैं समाज सेवी रहा हूं और मैं सदैव जनता की सेवा ही करते आया। जी, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात। चुनाव लड़ने का उद्देश्य भी यही है, समाज का सेवा, यस, जनता का विकास। जी, यहाँ पे समस्याएं क्या क्या है अपने वार्ड में, 26 वार्ड में समस्याएं क्या क्या है? सबसे पहले तो जब मैं चुनावी मैदान में उतरा, तो जब हम भ्रमण में निकले तो देखे कि एक हमारे बहुत पिछड़े समाज की जो एक टोली है जी, वहाँ एक पानी की समस्या, तो गंभीर समस्या कहा जाए जी, जो कि आज तक 5 वर्ष के इन पार्षदों के कार्यकाल में वो अभी तक पूरा नहीं हो सका जी। दूसरी वही समस्या है कि एक नाली का जो पूर्व पार्षद जी ने निर्माण कराया था, निर्माण कराने के बाद उस नाली का पानी अभी भी हमारा ब्राह्मण समाज के एक मंदिर जो है उसमें वो प्रवेश कर रहा है, उसकी सुधि लेने वाला आज तक उनको नजर नहीं आया कि इस पानी का क्या उचित बहाव कहाँ जाना चाहिए था। जी, ठीक है, पानी की समस्या, जल निकासी की समस्या और पेयजल की समस्या जी वार्ड में गंभीर रूप से जी। और क्या समस्याएं हैं? और तो जैसे कि राशन कार्ड वितरण की समस्या जी, राशन कार्ड वितरण की समस्या में इतना ही ये घोर अनियमितता बढ़ता है, मतलब राशन जो वितरण होता है उसमें धांधली है जी। तीसरी समस्या कि जिसको कि इंदिरा आवास योजना का मतलब लाभ क्या मिलना चाहिए, लाभुक को मिलना चाहिए जी। वो आपको मेरे घर के पीछे की ही जनता को नहीं मिला है जी, ये भी बहुत बड़ी समस्याएं हैं। अब हम बात करते हैं, अगर यहाँ की जनता, वार्ड नंबर 26 की जनता जी आपको अपना वार्ड पार्षद बना के चयनित करती है जी, तो उनके लिए आपके द्वारा कहा जाएगा 5 ऐसे काम बताए समर्पित होगा। जैसे कि देखिए, जनता की सेवा में तो अनेकों अनेक समस्याएं हैं जी, का उनके पास समस्या होगा, मैं उसको भरपूर कोशिश कर प्रयास करूंगा कि उनकी समस्याएं दूर हो हमसे, यही बात। कैसे 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 काम करेंगे सर? मतलब हम तो बोल ही रहे हैं ना कि जनता का जैसा भी प्रॉब्लम होगा, चाहे वो आवास संबंधी हो, जैसा संबंधी हो जी, उनकी उस योजना को धरातल पर उतारने का आपका काम, जैसा भी महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाएंगे,
महिलाओं को भी तो आगे बढ़ाने के लिए मैंने तो पूर्व में भी चुनाव लड़ा हूँ, मैं अगला पंचवर्षीय में भी चुनाव लड़ा हूँ, मैं अगला बार भी घोषणा ये किया था महिला के उत्थान के लिए कि मैं खुद अपना डोनेशन से, मैं खुद अपना पैसे से 5 सिलाई मशीन दूंगा, जो कि अभी मेरे 26 नंबर वार्ड में जो महिलाएं अभी भी थोड़ा गरीबी झेल रहा है, वो महिला को मैंने एकत्रित करके एक रूम में 5 मशीन के द्वारा उनको मतलब 10 रुपये कमाने का, 10 रुपये अर्जन करने का मैं ये सिलसिला अगले बार भी रखा था। जी सर, एक चीज और, अपने वार्ड में एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है, इस सुविधा को, इस व्यवस्था को कैसे देखिए? मैं इसके लिए तो तैयार हूँगा कि मेरे 26 नंबर वार्ड में एम्बुलेंस की भी व्यवस्था हो, मैं इसके लिए भरपूर व्यवस्था करूंगा, प्रयास करूंगा। एक सवाल, यहाँ के कुछ बच्चे जो हैं, युवा हैं, बेरोजगार हो गए, नौकरी आप नहीं दे सकते, लेकिन उनको रोजगार कैसे प्राप्त करना? मैं अभी भी युवा वर्ग के लोगों को काफी मतलब अपने दिल से काफी मैं मानता हूं, और आज जो ये नौबत आई है, जैसा कि पूरे 26 नंबर की जनता जान चुकी है कि ये मेरे कार्य करने की मतलब यही कार्य करने की शैली जो है, यही हमको यहां तक पहुंचाया है। जी बहुत अच्छी बात है, यहां की जनता को संदेश क्या देना चाहते हैं? यहां की जनता को हम यही संदेश देना चाहते हैं, खास करके 26 नंबर की वार्ड की जनता को, कि जिस लाड़ प्यार से मुझे आपने रखा है, उसी लाड़ प्यार से इस बार खास करके 2023 की जो नगर परिषद की चुनाव हो रहा है, इस बार मुझे आप अपना कीमती वोट देकर मुझे विजयी बनावे, और मैं आपके लिए सदैव समाज सेवी के रूप में था, हूं और रहूंगा। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी सोच रखी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उत्तम कुमार राय हुआ, लेकिन लोग मुझे मोहन राय के भी नाम से जानते हैं। जी आपने देखा, जो हमारे प्रत्याशी हैं उनका कहना है कि ये बेरोजगार को नौकरी तो नहीं दे सकते, लेकिन रोजगार के लिए सरकार से अनुदान दिला के उनको छोटे छोटे रोजगार देंगे, जिससे वो अपने पैरों पे खड़ा होंगे, पैरों पे खड़ा होने से उनका घर चलेगा, आजीविका चलेगी, और महिलाओं को भी ये कल्याण करते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि 4-5 सिलाई मशीन हम पहले भी दे चुके हैं एक जगह एक रूम में, मतलब एक तरह का टेलर का काम उन्होंने दिया है, और इस बार भी छोटे छोटे उद्योग लगाएंगे, चाहे वो मोमबत्ती का हो, दिया सलाई का हो, अगरबत्ती का हो, इस तरह का छोटे छोटे उद्योग को लगा के महिलाओं को भी अपने पैरों पे खड़ा करेंगे। बच्चों की शिक्षा पे भी इन्होंने जोर दिया है। उसके बाद सबसे अच्छी बात, इन्होंने स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी ये उत्साहित हैं, इन्होंने कहा कि मैं अपने वार्ड से एक एम्बुलेंस की सुविधा देने की कोशिश करूँगा। जनता को भी इन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया कि एक बार अगर ये मौका देते हैं तो उनके विश्वास को ये टूटने नहीं देंगे। इनका कहने का मतलब है, ये अनुभव बोलता है, पिछले 20 से 25 सालों का जो कार्यशैली है। अरे ये को भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, इनका सब्सक्राइब कर लो, और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ हुआ का देखा तो हम तो का ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।